हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे ब्रेड से नाश्ता। मैं थोड़ा तेल डालती हूँ, कम तेल का नाश्ता बनाऊंगी। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो छोटी एक चम्मच में जीरा डालती हूँ। मैं आधी छोटी चम्मच राई दाना डालती हूँ, चौथा एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू, दो उबले हुए ले लिए थे, इनको हल्का सा मैश कर लिया। तो डाल देते हैं, तो मैंने कुछ मटर लिए हुए हैं, ये भी उबाल लिए थे, तो इनको डाल देते हैं। एक चौथाई छोटी चम्मच नमक, एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ अच्छे से पक चुके हैं, मैं थोड़ा इसे मैश कर लेती हूँ चम्मच से ही। तो मैंने मैश कर लिया है, ये पक भी चुका है अच्छे से। गैस को बंद कर देते हैं, ठंडा होने के लिए मसाले को साइड में रख देते हैं। तो मैंने दो ब्रेड ले ली, एक कटोरी से इसे थोड़ा काट लेंगे, तो बिल्कुल आसानी से कट जाते हैं। तो सभी पीस ऐसे ही कट कर लेंगे। मैंने 6 ब्रेड कट कर ली, तो मैं इनके ऊपर मसाला डालती हूँ, या आप चटनी भी ला सकते हो कोई भी, या शेजवान सॉस भी ला सकते हो, या केचप भी लगा सकते हो, या हरी चटनी भी लगा सकते हो। तो मैंने 1 ब्रेड पे अच्छे से मसाला डाल दिया है, 1 ब्रेड पे मैं हरी चटनी लगाऊंगी। तो इसको इसके ऊपर रख देते हैं। सभी ब्रेडों को ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, तो एक छोटा बाउल बेसन इसको डाल देते हैं। चौथाई छोटी चम्मच नमक डालती हूँ, नमक मैंने पहले मसाले में भी डाल रखा है। आधी चम्मच अजवाइन, चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो सभी मसाले को मिक्स करते हैं। तो मैंने 1 गिलास पानी का लिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके डालें। बेसन का एक बैटर बनाना है, थोड़ा पानी और डालती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पानी और डालती हूँ, तो ये बैटर ऐसा ही बनाना है। कढ़ाई रख दिए गैस के ऊपर, इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी। तो पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं स्टैंड को रख देती हूँ। तो मेरे पास ये छेद वाली प्लेट थी, मैं इसमें बनाऊँगी, आप सिंपल में भी बना सकते हो। तो मैं घी से थोड़ा ग्रेस करूँगी, तो प्लेट को रख देते हैं। तो इस बेसन के गोल में ऐसे पहले किनारे डुबोएं ब्रेड के, फिर ब्रेड को डुबोएं, फिर
ब्रेड को ज़्यादा देर नहीं रखें, इस प्लेट के ऊपर रख देते हैं हम। तो मैं आपको एक ब्रेड और दिखाती हूँ, पहले किनारे डबोई, फिर ऐसे डबोई, फिर प्लेट के ऊपर रख दें। तो मैं सभी ब्रेडों को ऐसे ही रखूँगी। तो मैंने एक थाली ली हुई है, तो इसे थाली से ढक देते हैं। तो इसको 15 मिनट ऐसे ही रखें। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखें। 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसको हटा के देखते हैं। तो ये अच्छे से पक चुका है, गैस को बंद कर देते हैं। और ठंडे होने के बाद प्लेट को निकाल लेंगे। तो मैंने अच्छे से नाश्ता उतार लिया था प्लेट से। तो मैंने फिर से पैन ले लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो मैंने ये तेल पूरे पैन में फैला दिया है। तो मैं आधी छोटी चम्मच राई डालती हूँ। तो राई हमारी चटकनी शुरू हो चुकी है। तो मैं थोड़ा ही नाश्ते को डाल देती हूँ, ये और थोड़ा अच्छा बन जाएगा। तो इनको दूसरी साइड पलट देते हैं। तो ये अच्छे से पक चुका है, तो गैस को बंद कर देते हैं। तो मैंने नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तो इस नाश्ते को घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और चैनल के पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।